करोलबाग के सरस्वती मार्ग पर स्थित यही वो मोबाइल मार्केट है जिसके तकरीबन 500 से ज़्यादा दुकानदारों पर उनकी दुकान को टूटने का खतरा मंडरा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसकी जर्जर हालत को देखते हुए दरअसल आईआईटी दिल्ली ने इसको जो है डेंजरस घोषित किया है, और उसके बाद से ही एमसीडी ने बाकायदा नोटिस दिया। लेकिन दुकानदारों के हो हल्ले के बाद इस नोटिस की मियाद को 10 दिनों तक और बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है। इन सब के बीच दुकानदार ये चाहते हैं कि उन्हें न केवल यहाँ पर साफ तौर पर रहने दिया जाए बल्कि इसे तोड़ा ना जाए। लेकिन खास बात यही है, अगर आप स्थिति साफ तौर पर देखेंगे तो बारिश के दिनों में इस पर टूटने का खतरा और हो जाता है। जगह जगह आपको दिखेगा, जैसे दरारें आपको दिखेंगी, और साथ ही साथ जो जर्जर हालत है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एमसीडी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अभी मार्केट एसोसिएशन के साथ मिल बैठ कर तय करेगी ताकि साफ हो सके कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति अपनाई जाए। इन सब के बीच व्यापारी अगर अपने पक्ष में फैसला होता हुआ नहीं देख रहे हैं तो वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। कैमरामैन पवन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।